बात करेंगे डींडवाना की, जहां पर फार्मासिस्ट संघ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान में यह विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इसी के तहत डींडवाना जिले में भी विरोध प्रदर्शन देखा गया। फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार से हम लगातार पिछले 11 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं कर रही है। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकट के प्रदेश व्यापी आह्वान पर हम सभी फार्मासिस्ट आज जिला डीडवाना कुचामन के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी मांगे है सरकार पर, बार बार हमने सरकार को अवगत कराया, कलेक्टर के मार्फत भी हमने ज्ञापन दिए हैं, हमने सांकेतिक धरने भी दिए हैं, हमने गांधीवादी तरीके से भी सरकार को बार बार अवगत कराए, उसके बावजूद भी आज तक सरकार ने हमारी मांगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार 25 दिनों से हम लगातार हम सरकार की ओर ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि हमारी वाजिब मांगों पे ध्यान दिया जाए। गत पिछले 11 साल से हमारी वाजिब मांगे हैं जो सरकार आज तक नहीं सुन।